नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी से करेंगे। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मंदिर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है। 112 नंबर पर मिली अयोध्या को उड़ाने की धमकी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि फिलहाल जो मामला चल रहा है वो मथुरा को लेकर चल रहा था। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद बढ़ा दी गई थी कि कोई अफवाह ना फैले और कोई उपद्रव ना हो। लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है अयोध्या से, जहां पर मंदिर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दरअसल 112 नंबर पर अयोध्या को उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मंदिर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। ड्रोन के माध्यम से भी चौकसी की जा रही है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। और जो रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर है, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी भी संख्या के साथ चेकिंग की जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की अयोध्या से आपको बता रहे हैं। आप बता दें कि फिलहाल मुद्दा मथुरा का गर्म था, क्योंकि मथुरा में जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, उसके बाद माहौल गर्म ना हो, माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर वाद विवाद चल रहा था। प्रशासन अलर्ट हो गया था। ड्रोन के माध्यम से वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, निगरानी की जा रही थी। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी पूरी तरह से मौजूद है। जो ऐसी गाड़ियां हैं, जो वाहन हैं, जो पूरी तरह से संदिग्ध लग रहे हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, मंदिर हो, बाजार हो, भीड़ भाड़ वाली जगह हो, वहां पर सघन चेकिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। रैंडम चेकिंग ये तो सब लोग कराते हैं। रैंडम चेकिंग का आज यहाँ पे धार्मिक क्षेत्र में सभी को बताया गया था। वाहन आ रहे हैं तो व्यक्ति आपको ठीक है, तो ये हमारी रूटीन प्रैक्टिस है, इसको समय समय पर हम करते रहते हैं। परिसर के बाहर आउटसाइड जो हमारा एरिया है रेलवे धार्मिक क्षेत्र का, या इससे बाहर जनपद के अन्य हिस्सों में बॉर्डर के इलाकों में उसी रूटीन चेकिंग के अंतर्गत ये चेकिंग कराई जा रही है। और ये नियत समय पर रैंडम चेकिंग, सरप्राइज चेकिंग हम लोग कराते रहते हैं कोविड की अलर्टनेस चेक करने के लिए, प्लस सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दानिश के साथ जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बड़ी जानकारी है क्योंकि अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, वो भी डायल 112 में। तो क्या किसी ने ये मजाक किया है? वाकई इसमें सच्चाई है? क्या कह रहा है प्रशासन? अब देखिए, ऐसा है कि जिला प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। हालांकि 112 पर अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, तो सुरक्षा के देखते हुए मंदिर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसको लेकर के अयोध्या को जब बम से धमकी मिली तो प्रशासन अलर्ट हो गया है। हालांकि शासन ने भी इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है कि तत्काल इस चीज की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी की जाए कि ये फेक कॉल थी या किसी ने मजाक किया है या ये रियल मैच है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य का भी कल ही बयान आया था कि अयोध्या में मंदिर बन चुका है, अब मथुरा में क्या तैयारियां हैं, उसको लेकर मायावती ने भी ट्वीट किया। तो एक हिसाब से देखा जाए तो शायद ये कहीं ना कहीं मजाक नहीं हो सकता है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल दानिश, जिस तरह से आपने अभी मथुरा का जिक्र किया है, देखिए मथुरा को लेकर वैसे ही बवाल बहुत ज्यादा हो रहा है। तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है। कोई कह रहा है कि मथुरा में कोई मंदिर ही नहीं है। शफीकुर रहमान बरक ये कह रहे हैं कि मथुरा में कोई मंदिर नहीं है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि यहाँ पर अब मथुरा की बारी है, काशी और अयोध्या तो हो गया, लेकिन अब ये धमकी मिल रही है कि अयोध्या को बम से उड़ा दिया जाएगा। क्या चुनावी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है चुनाव से पहले? देखिए, बिल्कुल विपक्षी पार्टियों का तो ये आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयास कर रही है हिंदू मुस्लिम से लेकर चुनावी मुद्दों को बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसके कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहा है मायावती का या शफीकुर रहमान का, तो उनको लगता है कि चुनावी माहौल में केवल धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि आज अभी इसी वक्त जो एक सबसे बड़ी खबर आती है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, 112 पर अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी मिली। तो अयोध्या चूंकि उत्तर प्रदेश का सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है, यानी मंदिर के आसपास का जो एरिया वो सेंसिटिव है, वहां 24 घंटे PSC सुरक्षा में तैनात रहती है और सभी की चेकिंग की जाती है। तो इसको लेकर के अगर ये भी मजाक भी है, तब भी प्रशासन इसको मजाक में नहीं ले रहा है, बल्कि वो अपनी जिम्मेदारी से इसकी जांच कर रहा है और चेकिंग अभियान चला दिया गया है। सारे चीजों में चेकिंग चल रही है, आने जाने वालों को भी रोक टोक के चेक किया जा रहा है। तो इससे ये लगता है कि प्रशासन इस चीज को मजाक में नहीं ले रहा है। बिल्कुल दानिश, क्या पता लग पाया है कि किस नंबर से ये फोन कॉल आया या मैसेज आया है? देखिए, 112 पर जो कॉल आई है वो किसी अनजान व्यक्ति ने की है, तो इसको लेकर के प्रशासन अभी तैयारी कर रहा है, जांच कर रही है।
हो सकता है शायद देर शाम तक या 24 घंटे के अंदर, जो कि दावा प्रशासन इसे कर रहा है कि जल्द से पता लग जाएगा, तो उसकी साइबर सेल से तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है कि कौन हो सकता है, ये किसी ने मजाक किया है या चुनाव को लेकर के, या कोई क्या मुद्दा हो सकता है, ये इस लिख को लेकर के प्रशासन तैयारियां कर रहा है। लेकिन प्रशासन को इस बात से गंभीर है कि शायद ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि माहौल बिगाड़ने की सारी कोशिशें की जाएगी। आप जानते हैं कि कुछ महीनों बाद ही चुनाव है, और अभी कल ही की डेट में केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया था, और आज की डेट में मायावती से लेकर तमाम पॉलिटिकल लीडर इस मुद्दे पर है। तो कहीं ना कहीं ये जो धमकी मिली है, ये कहीं ना कहीं मान के चलिए कि धमकी के मामले में अगर ये चीज आई तो सोने को सुहागा इस बात हो गया है कि एक तो पॉलिटिकल पार्टियों का मुद्दा, दूसरी चीज सत्ता पक्ष। बिल्कुल दानिश, हमने देखा था कि कुछ महीनों पहले ही उत्तर प्रदेश से कई आतंकी जो है या फिर जो आतंकी गतिविधि में शामिल थे ऐसे लोगों को पकड़ा गया था, और देश भर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी भी की गई थी। क्या हो सकता है कि इसका जो सीधा जुड़ाव है, जो फोन कॉल आया है, वो सीधे आतंकवाद से हो? देखिए बिल्कुल ये भी हो सकता है। हमने बताया ना कि प्रशासन और शासन दोनों इस पर गंभीर हो चुके हैं, हालांकि प्रशांत कुमार रेड्डी जी है जिनका बयान अभी तक नहीं आया है, उनका यह कहना है कि इसकी जांच की जा रही है और हम लोग अलर्ट हैं और सुरक्षा व्यवस्था को तैनाती कर दी गई। जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, अयोध्या के जो SSP है, वहाँ पर वो चेकिंग अभियान में जुट गए हैं, उनकी सारी पुलिस जुटी हुई है, और जो सेंसिटिव एरिया है अयोध्या का, वहाँ पर 24 घंटे वैसे भी पुलिस और PSC तैनात रहती है। हालांकि सबको मचल क्षेत्र से चेकिंग किया जा रहा है, अब आगे क्या हो सकता है ये प्रशासन ही बताएगा। फिलहाल ये धमकी भरा जो था इससे कहीं ना कहीं एक भूचाल का उत्तर प्रदेश में आ गया है। दानिश, कौन कौन से अयोध्या के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि तस्वीर हम देख रहे हैं सघन चेकिंग की जा रही है, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है। देखिए अयोध्या रेलवे स्टेशन है, बाराबंकी का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर चेकिंग चल रही है, अयोध्या का जो राम मंदिर है, जो हनुमानगढ़ी, यहाँ पर एक पूरा सर्विलांस बना दिया गया है। यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा चेकिंग जो की जा रही है वो रामलला के आसपास है, हनुमानगढ़ी के आसपास है, और अयोध्या रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा चेकिंग का मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि जो यात्री जो भी आते हैं श्रद्धालु वो सबसे ज्यादा इसी एरिया से आते हैं, और ये पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत के लोग भी आते हैं इसी सेंसिटिव एरिया से आते हैं, इसलिए चेकिंग का जो मुद्दा है वो रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, और रामलला मंदिर के आसपास का एरिया है। यानी कि कह सकते हैं कि पूरे अयोध्या को हो सकता है कि शायद 200-300 मीटर की दूरी में शायद छावनी में तब्दील किया जा सकता है। ठीक है दानिश, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त अयोध्या से मिल रही है, अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, किस नंबर से कॉल आया है, किसने किया, इसकी पूरी छानबीन की जा रही है। जल्द ही प्रशासन का दावा है कि उस शख्स को ढूंढ लिया जाएगा, ढूंढ निकाल लिया जाएगा जिसने कॉल किया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, क्योंकि ये बहुत बड़ी धमकी चुनाव से पहले मानी जा रही है। इसके अलावा विपक्ष जो है लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद ही विपक्ष के इस तरह के ट्वीट या बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह का बयान केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हिंदू मुस्लिम यहां पर दंगे भड़काने की कोशिश वो कर रहे हैं। हालांकि मथुरा पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी, वहां पर शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि मथुरा में कोई मंदिर नहीं है, तो ऐसे में आपसी माहौल खराब ना हो इस वजह से मथुरा में चौकसी बढ़ा दी गई। लेकिन इसी बीच अयोध्या से एक खबर आ गई है, तो कहीं ना कहीं से लिंक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि फिलहाल आगे क्या अपडेट होगा, क्या जानकारी होगी, वो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि जो भीड़भाड़ वाली